और रॉकी और फ्रेजनी के बाद अपने ट्रिपल एज और शॉन माइकल्स आते हैं, पूरे क्राउड को दमदार तरीके से हाइप करते हैं, हाथ मिलाते हैं, डी जेनरेशन एक्स का अपना मूव करते हैं, वो सिंबल करते हैं और निकल पड़ते हैं बैकस्टेज की तरफ। बात करते हैं बीस दिन का ब्रॉक लेसनर का शायद हील टर्न प्रॉपर तरीके से हो चुका है बिकले। हाँ, उनका दाढ़ी अभी तक नहीं काटी, बाल भी नहीं काटे फिर भी, लेकिन ब्रॉक लेसनर का हील टर्न हो चुका है क्योंकि जिस तरह से बॉबी लेसनर के ऊपर दमदार तरीके से अटैक किया, दो या तीन जर्मन सुप्लेक्स, दो तीन अपने यफ़ाई, फिर किमोरा लॉक, ये सब हील टर्न के निशानी है। ब्रॉक लेसनर हील टर्न किया, फाइनली ब्रॉक लेसनर का हील टर्न हो चुका है। बात करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में, नया रिकॉर्ड बन चुका है 2022 में सबसे ज्यादा मेन इवेंट करने वाले से रेसलर बन चुके हैं। रोमन रेंज के बाद आते हैं, रोमन रेंज एक तो पार्ट टाइमर बन चुके हैं, रेसल नहीं करने थे, रोमन रेंज का इस बार नया रिकॉर्ड बन जाता 2022 में। लेकिन सेथ रॉलिंस अभी के लिए पांच मेन इवेंट कर चुके हैं अभी के लिए पूरे डब्ल्यू के पीपीवी में। बात करते हैं सेथ रॉलिंस सेकंड ऐसे रेसलर बन चुके जो टू टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं, एक नंबर वन पे अपने अपने क्या नाम है द मीज है अभी के लिए, नंबर वन, नंबर टू पे अपने सेथ फ्रिकिन दो टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं। बात करते हैं फिन ब्रे वाइट स्मैकडाउन के ऊपर आने वाले, नेक्स्ट स्मैकडाउन पर हमें फिन ब्रे वाइट एज अ रिटर्न एज अ फेस टू फेस या फिर उनके खुद आमने सामने मिलने के देख लेंगे, फिन ब्रे वाइट आएंगे।